Hello friends, welcome to the channel Competition Crackers. And if you guys are preparing for any government related exam, either UPSC, State PCS or SSC या Railway, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे चैनल में इन सारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज लेक्चर्स आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल आज का वीडियो की हम बात करें दोस्तों, सो दिस इज लेक्चर नंबर 19 ऑफ ल्यूसेंट ज्योग्राफी। ठीक है, ल्यूसेंट ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 19 है ऑफ आवर 20 आवर्स ल्यूसेंट कोर्स। ऑलराइट, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पिछली वीडियो की अगर मैं याद दिला दूं दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर को, और हमने ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखी थी कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये पांच लेयर्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में ओवरव्यू दिया था। आज हम इनको डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे कि कौन सी लेयर्स क्या होती है और किस लेयर में क्या वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले जो लेयर होती है, यानी कि जो सबसे नीचे जो लेयर होती है अर्थ में, वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है मेसोस्फियर, फिर होती है थर्मोस्फियर, एंड आफ्टर दैट लास्ट में होती है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये पांच लेयर्स हैं, इनकी सीरीज आप देख लीजिएगा। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर, मेसो के बाद थर्मो, थर्मो के बाद एक्सो। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल्ड में देख लेते हैं क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले सबसे जो लेयर जो कि सबसे कम हाइट पे होती है, वो होती है ट्रोपोस्फियर, एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर। फर्स्ट लेयर की मैं बात करूं तो नीचे से, यानी कि जैसे हम सबसे कम हाइट पे ट्रोपोस्फियर होगी, फिर स्ट्रेटोस्फियर होगी, तो इस तरीके से ये फर्स्ट लेयर होती है जो कि सबसे कम हाइट पे पाई जाती है, और अराउंड 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर तक देखने को मिलती है ये, और इक्वेटर में 18 किलोमीटर इक्वेटर में देखने को मिलती है, 8 किलोमीटर पोल्स पे। ठीक है, तो इस हाइट पे ये रहती है ट्रोपोस्फियर। अब बात करें टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन हाइट, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर यहां पर डिक्रीज करेगा। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। तो इससे पहले एक आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आएगा ऐसा क्यों। तो सबसे पहले इट कंटेन्स अराउंड 90% ऑफ गैसेस इन एटमोसफेयर, यानी कि जो हमारा ये एटमोसफेयर है दोस्तों, इसमें जितनी भी, आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का क्या है, मिक्सचर है या ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर। अब बहुत सारी गैसेस इसमें होंगी, तो जितनी भी गैसेस होती हैं उसकी जो 90% गैसेस होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी कम अमाउंट ऑफ गैसेज जो है बाकी की लेयर्स में देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि 90% तो सिर्फ और सिर्फ जो गैसेस की डेंसिटी है या गैसेस हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है। अब देखो, ट्रोपोस्फेयर में अगर 90% गैसेस पाई जाती हैं तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होगी, डेंसिटी बहुत हाई होगी, और अगर हाई डेंसिटी होगी दोस्तों तो हाई डेंसिटी के उससे टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो ऐसे यहाँ पर हमें जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होती है, हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है गैसेस की, प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को जाते जाएंगे, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर की तरफ को अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में तो फिर कम डेंसिटी हो जाएगी बहुत ही गैसेस की, तो ऊपर ऊपर जाते जाते डेंसिटी कम होगी। तो अगर डेंसिटी कम है, यानी कि गैसेस का मॉलिक्यूल कम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी विथ हाइट, और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर बात करते हैं वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड, हेंस वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें आपको ट्रोपोस्फियर में ही जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्लाउड्स दिखाए गए हैं इस डायग्राम में, तो वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर कैसे बनता है, आपको पता है वाटर साइकिल जो चलती है उसके चलते जो है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन से जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलता है, और ट्रोपोस्फियर में क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो क्लाउड से डायरेक्ट इफेक्ट कौन होगा, वेदर। तो वेदर फेनोमेना जो पूरा का पूरा रहता है वो ट्रोपोस्फियर में रहता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में डायरेक्टली कि किस लेयर में, एटमॉस्फेयर की किस लेयर में वेदर फेनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, तो उस समय आपको डायरेक्ट बिना सोचे सीधे ट्रोपोस्फियर पे क्लिक करना है।
फिर है द एंड ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज एंड टेम्परेचर हियर इज -58°C. अब जो सबसे जैसे यहां पर ये देखो, जैसे मैंने क्या कहा था हाइट बढ़ेगी, इसमें हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. टेम्परेचर और हाइट जो है यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है. तो लास्ट में -56 या -58°C रहता है यहाँ पर लास्ट में. जो ये वाला जैसे ये ट्रोपोस्फीयर है दोस्तों, ट्रोपोस्फीयर जहां पर जिस पॉइंट पे खत्म होती है और स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाती है, तो जो लास्ट पॉइंट है ट्रोपोस्फीयर का उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, ठीक है. तो ये है अबाउट द ट्रोपोस्फीयर. तो ट्रोपोस्फीयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था हमने जो देखने को मिला, सबसे पहले तो कम हाइट पे पाई जाती है, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर और पोल्स पे 8 किलोमीटर. फिर टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ को जाते जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है. क्यों होता है मैंने बता दिया था, डेंसिटी वाला जो आपका कंसेप्ट था उसको. फिर वाटर वेपर का फिनोमेना यहाँ होता है, और वाटर वेपर यहाँ पर होगा तो वेदर फिनोमेना यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन भी यहीं देखने को मिलेगा आपको. और इसके एंड ऑफ लेयर को ट्रोपोपॉज कहते हैं, और टेम्परेचर यहाँ पर -58° या -56° के सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है, काफी कोल्ड टेम्परेचर. फिर बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर. अब देख लो स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है वो देख लो. स्ट्रेटोस्फीयर क्या है दोस्तों, सेकंड मोस्ट लेयर है, यानी कि जैसे ही ट्रोपोस्फीयर खत्म होती है, ठीक है, जैसे ये ट्रोपोस्फीयर यहां पर खत्म हुई, ट्रोपोस्फीयर के बाद आ जाता है सेकंड नंबर में. अगर हम देखें फ्रॉम नीचे से ऊपर की तरफ को अगर हम जाते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है सेकंड नंबर की आपको लेयर देखने को मिलती है. तो सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. अब ये किस हाइट में पाई जाती है दोस्तों, अराउंड 50 किलोमीटर हाइट में जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाती है. और अब यहाँ पर क्या होता है देखो, टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पर. अब देखो हमने क्या लास्ट में क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर में -58°C होता है टेम्परेचर, लेकिन जब हम तो -58 तो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर था, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जाएंगे तो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. अब क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि यूवी रेज एब्जॉर्ब बाई ओजोन लेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है. अब यूवी रेज को पूरा एब्जॉर्ब करेगी कौन, ओजोन लेयर. तो जो गर्मी है अपने आप ही यहाँ पर इस लेयर में बढ़ी हुई मिलेगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है यहाँ पर. एंड दिस इज आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट प्लेन्स. अब जो जेट प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो सारे स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ाए जाते हैं. क्यों उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेदर फिनोमेना टेक प्लेस नहीं करता है, वेदर फिनोमेना टेक प्लेस करता है ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है. तो वेदर फिनोमेना के कारण क्या होता है कि उड़ान में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है. तो इसके चलते जो है स्ट्रेटोस्फीयर को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आइडियल कंडीशंस होती हैं, वेदर फिनोमेना नहीं टेक प्लेस करता है, तो सबसे बेस्ट जगह होती है ये फॉर फ्लाइंग जेट प्लेन्स. फिर एंड ऑफ दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज. अब जैसे मैंने क्या कहा था, ट्रोपोस्फीयर यहाँ पर इस पॉइंट पे एंड हो रही है, तो इसको हम क्या कहते थे, ट्रोपोपॉज. अब यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पर वो होगी तो उसको कहेंगे स्ट्रेटोपॉज, ठीक है. पॉज मीन्स रुकना, स्ट्रेटो मीन्स स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है. तो इस तरीके से ये बनता है. तो दो लेयर्स हमने देख ली हैं, फर्स्ट में हमने डिस्कस करी ट्रोपोस्फीयर, सेकंडली हमने डिस्कस कर लिया है स्ट्रेटोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर में क्लाउड वगैरह बनते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो एरोप्लेन वगैरह या ठीक है एरोप्लेन वगैरह जाइए हॉट एयर बैलून्स वगैरह होते हैं, ये उड़ते हैं. क्यों उड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि आइडियल कंडीशन होती है, वेदर कंडीशन यहाँ पर नहीं रहती है इसके चलते. और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ेगा टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज एब्जॉर्ब करती है. फिर बात करते हैं थर्ड लेयर की, मीजोस्फीयर की. मीजोस्फीयर आप देख लो दोस्तों, ये रहा थर्ड में आपका मीजोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है, और किस हाइट में पाया जाता है वो सारा देख लेते हैं. थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, हाइट अराउंड 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है. अब फिर से टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और -90°C यहाँ पर पहुंच जाता है टेम्परेचर. और इसका जो एंड है उसको हम मीजोपॉज कहते हैं, ठीक है. मीजोस्फीयर जहां पर एंड होगी तो मीजोपॉज, ठीक है. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये देखो आप देख सकते हैं -2.5 से -86.5 यानी कि -90°C के आसपास तक पहुंच जाता है. और ये इस वाले जहां पर ये मीजोस्फीयर खत्म हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, मीजोपॉज कहते हैं, ठीक है. और ज्यादा इसके बारे में जो स्टडी है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि मीजोस्फीयर में ऐसा कुछ खास फिनोमेना टेक्स प्लेस नहीं करता है जिसके चलते कि यहाँ पर स्टडी करी जाए ज्यादा. तो इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल अवेलेबल रहती है,
ठीक है, तो मेसोस्फीयर के बारे में इतना ही जान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर फिर से डिक्रीज हो जाता है। अब टेम्परेचर का एक बार देख लेते हैं, मेन चीज यही पूछता है एग्जाम में। तो ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जा रहे थे तो टेम्परेचर जो है घटते जा रहा था, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जा रहा था क्योंकि ओजोन लेयर के कारण यहाँ पर क्या हो रहा था, हाइट बढ़ रही थी तो थोड़ा डिक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया, -90 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यहाँ पर कितना पहुंचा था, -58 पहुंच रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक बार डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया टेम्परेचर। अब बात कर लेते हैं फोर्थ लेयर, दैट इज थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के ऊपर होती है थर्मोस्फीयर, 513 किलोमीटर हाइट में ये जो लेयर है एटमोस्फीयर की मेसोस्फीयर वो देखने को हमें मिलती है। टेम्परेचर राइज ड्रामेटिकली, अब टेम्परेचर यहां पर बढ़ जाता है दोस्तों 2482 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने लास्ट में यानी कि मेसोस्फीयर में देखा था कि टेम्परेचर कितना था, -90 डिग्री सेल्सियस था, और उसके बाद ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि -85 डिग्री तो चलो सबसे नीचे होगा यहाँ पर मेसोस्फीयर के आसपास पे जब शुरू हुई होगी थर्मोस्फीयर, फाइनली यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जा रहा है 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है, और अगर हम देखें फाइनली एक एवरेज वैल्यू तो 2482 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है, बिकॉज मॉलिक्यूल ऑफ दिस लेयर एब्जॉर्ब रेज, यूवी रेज ऑफ सन। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं थर्मोस्फीयर में वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेज ऑफ सन को, सन से जो यूवी रेज आ रही है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इसी के चलते इसको आयोनोस्फीयर भी कहा जाता है, थर्मोस्फीयर को ही दोस्तों आयोनोस्फीयर भी कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयंस, ठीक है, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले आयंस में जो है वो ब्रेक हो जाता है, और इसी के चलते आयंस फॉर्मेशन के कारण ही इसको आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। थर्मोस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज आयनोस्फीयर, राइज इन टेम्परेचर इज ड्रामेटिकली, और लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच जाता है, और 513 किलोमीटर की हाइट पे देखने को मिलता है आफ्टर मेसोस्फीयर। और मेसोस्फीयर में टेम्परेचर जो था वो था -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिर आ जाता है दीज आयंस रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव्स टू अर्थ। अब ये जो थर्मोस्फीयर है इसकी खासियत क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है जो ये आयंस होते हैं, क्योंकि हमने देखा थर्मोस्फीयर में जो गैस मॉलिक्यूल्स थे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जा रहे थे, और यही आयंस हेल्प करते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए रेडियो वेव्स को अर्थ से। और रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे टीवी वगैरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो सब होता है रेडियो वेव्स के चलते, और रेडियो वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है फ्रॉम द थर्मोस्फीयर। क्यों होती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फिर चलते हैं मेटियोर्स एंड ऑब्सोलीट सैटेलाइट्स बॉर्न हियर ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब जो मेटियोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि अर्थ की तरफ को आते हैं, मैंने बताया था मेटियोर्स क्या होते हैं, ऐसे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अर्थ की तरफ को आते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते जो मेटियोर्स हैं अर्थ की तरफ आएंगे, तो मैंने उस समय क्या बताया था कि हाई डेंसिटी होने के कारण एटमोस्फेयर में ही वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो एटमोस्फेयर की थर्मोस्फीयर लेयर में ये बर्न हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। इसके चलते जो मेटियोर्स हैं या ऑब्सोलीट सैटेलाइट मींस ऐसी सैटेलाइट जो अब काम की नहीं रही है, एकदम खराब हो गई हैं, और वो अर्थ के ऑर्बिट पे वापस गिर जाती हैं, अर्थ के ऑर्बिट से गिर जाती हैं अर्थ की तरफ को, तो वो भी जो है वो थर्मोस्फीयर में बर्न हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो हमें हर चीज से सुरक्षा करता है। सबसे पहले तो हम डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, जिसके चलते कि हमारा सर्वाइवल इजीली हो पाता है, और इसके अलावा जो मेटियोर्स हैं या ऐसे स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बर्न करने में भी एटमॉस्फेयर यानी कि थर्मोस्फेयर का बहुत बड़ा हाथ रहता है। फिर बात करते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर की दोस्तों, एक्सोस्फेयर की। तो ये रहा एक्सोस्फेयर यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर एक्सोस्फीयर। अब एक्सोस्फीयर में आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और 960 किलोमीटर के आगे, ठीक है, अर्थ से ऊपर 960 किलोमीटर के बाद ये वाली एक्सोस्फीयर की लेयर शुरू होती है, एंड इट ग्रेजुअली मर्ज विद इंटरप्लेनेटरी स्पेस, यानी कि जो हम स्पेस कहते हैं ना, अर्थ के बाहर क्या है, स्पेस है कहते हैं, तो वो 960 किलोमीटर के बाद तो एक्सोस्फीयर चलती है, और जहां पर ये एक्सोस्फीयर खत्म होगी, देखो आप यहां पर
ठीक है, जहां पर ये एक्सोस्फीयर खत्म होती है उसके बाद से जो है स्पेस वाला हिस्सा हमारा शुरू हो जाता है, यानी कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है पूरी तरीके से वहां पर खत्म हो जाता है और इसके बाद स्पेस में आप पहुंच जाते हैं एक्सोस्फीयर को कवर करने के बाद या एक्सोस्फीयर को से आगे बढ़ने के बाद। ठीक है, फिर बात करते हैं टेम्परेचर की, तो फिर यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो 300 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब क्योंकि देखो आप जो सन की डायरेक्ट रेज है सबसे पहले एक्सोस्फीयर में ही पहुंचेंगी, तो इसके चलते जो है टेम्परेचर ज्यादा रहता है एक्सोस्फीयर में। ओनली ट्रेसेस ऑफ गैसेस, अब ट्रेसेस ऑफ गैसेस मैंने क्या कहा था, जिस तरीके से हम अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर की तरफ को जाते रहेंगे उतनी उतनी जो गैसेस की डेंसिटी है वो कम होती रहेगी। 90% गैसेस तो जो हमारे ट्रोपोस्फीयर यानी कि जो सबसे पहली लेयर है अर्थ के सरफेस से सबसे नजदीक में 18 से 20 किलोमीटर में जो लेयर थी ट्रोपोस्फीयर, उसमें 90% गैसेस तो उसी लेयर में रहती है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ को जाते जाएंगे गैसेस की डेंसिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेसेस ऑफ गैसेस हैं, और ट्रेसेस ऑफ गैसेस क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सबसे कम होता जाएगा। जितना हम ऊपर की तरफ को जाएंगे अर्थ के तो उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा, अर्थ के सरफेस के पास होगा, तो सरफेस के पास इसीलिए 90% डेंसिटी रहती है एयर की, उसके बाद जो है कम होते जाती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण सिर्फ ट्रेसेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल होते हैं और गैस मॉलिक्यूल एस्केप इनटू स्पेस। तो इसी के चलते कुछ गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो स्पेस की तरफ को चले जाते हैं क्योंकि अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में नाकाम रहती है क्योंकि सब बहुत ही दूरी पे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता रहता है। ठीक है, तो हमने देख लिया दोस्तों सारी की सारी लेयर्स। अब मेन चीज जो इसमें से पूछता है वो पूछता है कि इनके एक तो एप्लीकेशंस पूछता है कि किस लेयर का क्या मकसद है या क्या खासियत है किस लेयर की, वो चीजें ये पूछता है। तो और टेम्परेचर का ये चीजें पूछता है वो। अब सबसे पहले हमने देखा कि सबसे जो 18 से 20 किलोमीटर के आसपास जो लेयर रहती है हमारी, 18 किलोमीटर इन इक्वेटर और 8 किलोमीटर इन पोल से, तो वो सबसे पहले जो लेयर रहती है उसका नाम था ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में क्लाउड वगैरह बनते थे, वाटर साइकिल का फिनोमेना टुक प्लेस करता था या हाइड्रोसाइकिल का फिनोमेना टुक प्लेस करता था। ठीक है, और 90% जो गैसेस थी वो यहीं रहती हैं, 90% गैसेस यहाँ पर रहती हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। फिर बात कर रही हमने किसकी, स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है थोड़ा। क्यों बढ़ता है टेम्परेचर ट्रोपोस्फीयर के मुकाबले, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। और ओजोन लेयर क्या करती है दोस्तों, ओजोन लेयर जो यूवी रेज है उनको रोकती है, इसके चलते थोड़ा बहुत टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर में जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, मेसोस्फीयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज कर जाता है। हमने देखा था मेसोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम रहता है, और उसके बाद थर्मोस्फीयर में जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और जो भी मेटियोर्स वगैरह होते हैं यही बर्न होते हैं थर्मोस्फीयर में, और रेडियो वेव्स जो है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्सोस्फीयर में बड़ा ही रहता है टेम्परेचर क्योंकि ये तो सबसे बाहर है, सन की सबसे ज्यादा रेज एक्सोस्फीयर से ही पास होते हुए जाएंगे, तो एक्सोस्फीयर में सबसे ज्यादा रहेगा, थर्मोस्फीयर में भी ज्यादा रहेगा। फिर मेसोस्फीयर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा है तो इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में ज्यादा हो जाएगा, इसमें फिर ट्रोपोस्फीयर में हाइट के साथ साथ डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा फिनोमेना ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, आपको पूरा का पूरा ये कंसेप्ट इसका समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं। और फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हमने सारी की सारी जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से इसको लाइक करना, इसको शेयर करना विद अदर एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी भी ताकि हेल्प हो सके और आगे भी ऐसी वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और जो बेल नोटिफिकेशन आती है उसको जरूर से प्रेस करना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए उसकी अपडेट आप तक पहुंचे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं बेल नोटिफिकेशन उनकी ऑन नहीं रहती और फिर पूछते रहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, तो आप प्लेलिस्ट भी जरूर से चेक करना, प्लेलिस्ट मैं आई बटन पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसमें सारे के सारे आपको ये 19 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 19 तक आपको आई बटन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं या ये वीडियो जब एंड होगी तो आपको एंड स्क्रीन यहाँ पर दिख जाएगी, और यहाँ पर सब्सक्राइब बटन भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है, डायरेक्टली यहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सब्सक्रिप्शन जो है वो एकदम फ्री रहता है। ठीक है, इसका तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन जय हिंद जय भारत।